श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही चंद्रभागा श्री महापुराण कथा जो कि परभणी से चल रही थी 17 जनवरी को कथा के पांचवे दिन आखिरी दिन गुरुजी ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है, नया उपाय बताया है। गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में इस उपाय को कभी नहीं बताया है, तो जान लेते हैं वो उपाय कौन सा है। यदि आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है या घर में शांति नहीं है या आपका काम बहुत समय से अटक रहा है या आपकी कोई भी मनोकामना है तो उसके लिए किए जाने वाला ये विशेष उपाय है। आपको 5 बेलपत्र लेनी है और 2 लोटे जल लेना है। आप तांबे का लोटा भी ले सकते हैं, स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। 2 लोटे में आपको जल ले लेना है। सबसे पहले आपको अपनी हाथ की हथेली में 5 बेलपत्र रख लेना है। सीधी करके आपको 5 बेलपत्र रख लेना है। इसके ऊपर आपको एक के ऊपर एक करके 2 कलश जल आपको रख लेना है। इस तरीके से जल लेकर आपको मंदिर जाना है। शिवलिंग में सबसे पहले आपको 2 कलश नीचे रख लेना है जमीन में और जो 5 बेलपत्र है वो शंकर भगवान की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। बेलपत्र ऐसी लीजिएगा जो कहीं से भी खंडित ना हो और पीछे का जो डंठल है वो टूटा हुआ होना चाहिए। डंठल सहित आपको बेलपत्र अर्पित नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 5 बेलपत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है और जो बेलपत्र की डंडी का भाग है वो जलाधारी की ओर रखें। इस तरीके से आपको बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद जो 2 कलश जल एक के ऊपर एक रखे हैं, सबसे ऊपर वाले कलश का जल आपको शंकर भगवान की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बाबा को धोग लगाइए, प्रणाम कीजिए। इसके बाद जो 1 लोटा जल आपके पास बचा है वो कलश जल लेकर आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे वो जल आपको समर्पित कर देना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं जहाँ लक्ष्मी बुहारी लगाने आती हैं। उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको वो कलश जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का स्मरण करना है। 1 मिनट आपको वहीं बैठना है। बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का स्मरण कीजिए। बाबा से अपने दिल की बात कहिए। गुरुजी ने कहा है कि 3 महीने में आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। अब ये उपाय आपको कब कब करना है? ये उपाय आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, प्रदोष के दिन कर सकते हैं। कल 19 जनवरी प्रदोष का दिन पड़ रहा है तो इस दिन आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। कई लोग ये पूछते हैं कि ये उपाय हमको सुबह के समय करना चाहिए या शाम के समय करना चाहिए, तो हम बता देते हैं कि ये उपाय आपको सुबह के समय ही करना है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।